मनरेगा बैठक में भिड़े वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ता। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। इस झड़प में दोनों पार्टियों के 10 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की बैठक के दौरान ये घटना हुई है। तो किस तरह से ये आपस में भिड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कुर्सियां हवा में उड़ाई गई जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो मनरेगा बैठक में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं की झड़प देखी गई। तो मनरेगा बैठक में किस तरह से भिड़ते हुए वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर उछाली गई जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये वाक्य उस दौरान का है जब इस दौरान मनरेगा बैठक चल रही थी, तब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी बात को लेकर ये झड़प इतनी बढ़ गई कि वहां रखी कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका गया, जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो आंध्र के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं की झड़प की ये तस्वीरें, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है किस बात को लेकर ये घटना हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। महात्मा गांधी की मनरेगा बैठक में कहीं ना कहीं ये झड़प देखने को मिली है, लेकिन इस झड़प के पीछे क्या वजह है कि इतनी नौबत यहां तक पहुंच गई कि वहां रखी कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर उछालते दिखे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता।